बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उड़ता हूँ मुरली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। लखनऊ के अंदर जो मंडल हुए हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप सभी को पता है कि इसी महीने के अंत के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष के हैं वो फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद अगले महीने की शुरुआत के अंदर इसके परिणाम आएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन अपना अध्यक्ष है वो बनाएगा, कौन से जिले में किस किस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन हम बात करें लखनऊ मंडल की, तो लखनऊ मंडल में काफ़ी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। वैसे तो लखनऊ मंडल के अंदर समाजवादी पार्टी एक नंबर पर, बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर निर्दलीय और चौथे नंबर पर बीजेपी रही और पांचवें नंबर पर भीम आर्मी रही। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और जो समाजवादी पार्टी है वो दोनों के बीच में इस वक्त कड़ी टक्कर मची हुई है कि आखिर अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष वो कौन बनाएगा। बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी नंबर की है वो कमी पड़ रही है। दरअसल आपको मैं बताने की कोशिश करूँ तो लखनऊ जिला के अध्यक्ष के लिए समाजवादी पार्टी ने 10 जिला पंचायत सदस्य जीते, बहुजन समाज पार्टी ने 5 जीते। इसके अलावा निर्दलीय भी आपको बता दें कि 5 जीतने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी मात्र 4 सीटों पर जीत पाई। वहीं आपको बता दें कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी 1 सीट पर जीत पाई। ऐसे हालात के अंदर पार्टियां किस किस के साथ में जाएगी, किस के प्रत्याशी के साथ में जाएगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में काफी नजदीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर टूट का बड़ा खतरा ठहरा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर एक प्रत्याशी को अगर जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित किया जा रहा है तो बाकी लोग इसकी बगावत कर रहे हैं, वो लोग भी आपको बता दें कि टिकट मांग रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को अपनी बगावत को रोकना, काफी कंट्रोल करना होगा। तो इस वजह से आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों के बीच में कड़ी टक्कर मची हुई है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस पार्टी के साथ निर्दलीय जाएंगे वही पार्टी आपको बता दे कि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जीत पाएगी, क्योंकि निर्दलीय और भीम आर्मी का एक प्रत्याशी काफी निर्णायक साबित रहेंगे। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ। अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।